ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है टॉपिक नंबर 17.2.3, बुक का पेज नंबर 219 है, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू एयर और स्पेस। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम जब भी कोई वॉइस मैसेज भेज रहे होते हैं या वॉइस कॉल करते हैं हम, तो हमारी जो भी हम भेज रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी को अगर जो है वो वॉइस मैसेज भेज रहे हो तो आपकी जो साउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल साउंड कन्वर्ट होता है आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। देन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो आपके पास, इनको ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र किया जाए, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से किसी को मैसेज कर रहे हो किसी और एरिया में, लाहौर में या कहीं भी किसी दूसरे एरिया में, तो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमें सेंड करना होगा। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम रेडियो वेव्स के ज़रिए भी जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, जैसे ही आपका साउंड जो है वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देन कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जिनको रेडियो वेव्स बोला जाता है। अब ये रेडियो वेव्स क्या करेंगी, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करेंगी, और फिर क्या होगा कि रिसीवर तक जब ये पहुंचेंगी, जो बंदा इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, फिर क्या होगा कि ये जो वेव्स हैं, ये रेडियो वेव्स जो हैं, ये जब रिसीव होंगी तो देन क्या होगा, अगेन इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा और इन्फॉर्मेशन आपकी एज इट इज़ उनको साउंड में कन्वर्ट करके जो रिसीवर तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास कि हमारे पास देखें इसमें क्या होता है कि आपके पास, जैसा कि यहाँ पर देखें आप, तो ये आपके पास माइक्रोफोन है, ठीक है। माइक्रोफोन में अगर आप कोई बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे माइक्रोफोन में जो भी बात करोगे आपका साउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप माइक्रोफोन में जब आप बात करोगे तो आपका साउंड कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गया, अब ये क्या होगा कि ये जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस एंटीना तक पहुंचेंगे, ठीक है, ये एंटीना इनको क्या करेगा, रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इस एंटीना ने क्या किया, इनको रेडियो वेव्स में कन्वर्ट किया। अब ये रेडियो वेव्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब ये जो है वो अब जो रेडियो वेव्स हैं उनको सेंड किया जाएगा डेस्टिनेशन तक, जहाँ तक इनको पहुँचाना है। अब जहाँ तक इनको पहुँचाना है, जब ये उस बंदे तक पहुँचेंगे, ठीक है, वहाँ पर भी एक ऐसा ही एंटीना लगा हुआ होगा, क्योंकि जो एंटीना होता है वो दोनों काम करता है, ट्रांसमीटर का काम भी करता है, रिसीवर का काम भी करता है, ठीक है। रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बैठी हुई हूं और मैं आपको मैसेज कर रही हूं, ठीक है, मैं आपको वॉइस मैसेज कर रही हूं, तो मैं माइक्रोफोन में बोलूंगी तो जो फोन है वो क्या करेगा, मेरी आवाज को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही बाहर एक एंटीना लगा हुआ है, वो एंटीना क्या करेगा कि जी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे इनको कन्वर्ट करेगा रेडियो वेव्स में और सेंड कर देगा आपके एरिया तक, ठीक है। आपके एरिया में भी एक ऐसा ही एंटीना लगा हुआ होगा और वो एंटीना क्या करेगा, मेरी रेडियो वेव्स को जो है वो ये जो रेडियो वेव्स मैंने भेजी है उनको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद आपके डिवाइस तक पहुंचाएगा, आपका डिवाइस क्या करेगा उसको फर्दर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपके डिवाइस तक पहुंचाएगा, आपका डिवाइस क्या करेगा कि उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करेगा और आपको मेरा मैसेज जो है वो साउंड में सुनाई देगा, मतलब जो मैंने यहाँ पे भेजा, जो मैंने कहा, मेरी आवाज़ ही आपको जो है वो अपने डिवाइस में सुनाई देगी। तो ये बेसिक प्रोसेस ये होता है कि एंटीना के ज़रिए, एंटीना जो है वो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। इस पैराग्राफ में बेसिकली यही चीज़ जो है वो लिखी हुई है कि हमारे पास किस तरह से जो है वो एक जो डिवाइस है वो रेडियो वेव जो आपका साउंड होता है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, देन उनको क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद उनको रेडियो वेव्स में एंटीना को भेजता है, एंटीना उनको रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है और फर्दर जो है वो रिसीवर एंटीना जो होता है वो उनको रिसीव करता है, उनको जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, आपका फोन को भेजता है और आपका फोन क्या करता है, जो रिसीवर फोन है वो उनको जो है वो साउंड में कन्वर्ट करके आपको जो है वो मैसेज पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये था यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीना की डेफिनेशन, कि एंटीना क्या होता है आपके पास। देखिए आपके पास जो इन टू वे कम्युनिकेशन द सेम एंटीना कैन बी यूज्ड एज बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, कि आपके पास जो एंटीना होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स के लिए भी यूज़ होता है और रिसेप्शन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अब एंटीना की डेफिनेशन आप यहाँ से देख लें, एंड एंटीना कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स यूज्ड आइदर फॉर रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और फॉर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। आपके पास एंटीना जो है वो ऐसा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जो यूज़ होता है, ठीक है,
किसके लिए यूज़ होता है, रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मतलब है रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स को रेडिएट भी करते हैं, ठीक है, और उनको रिसीव भी करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मैं अगर आपको मैसेज भेजूंगी तो मैं यहाँ से मेरा जो एंटीना होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट करेगा, और जो आपका एंटीना होगा जो क्या करेगा, इनको रिसीव करेगा, ठीक है, कलेक्ट करेगा। तो एंटीना को दोनों पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर रिसीविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उनको जो है वो रेडिएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कि किस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो यूज़ होती हैं हमारी कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सैटेलाइट आ जाता है। देखिए यहाँ पे सैटेलाइट जो है वो आपके पास एक सैटेलाइट है और इसके साथ कितने डिवाइसेज जो है वो कनेक्ट हैं, आपके पास रिसीवर है, ठीक है, ट्रांसमीटर है, यहाँ पर भी रिसीवर्स हैं, ठीक है, कि एक जो है वो ट्रांसमीटर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट को भेजता है और सैटेलाइट क्या करता है फर्दर जो है वो इतने सारे रिसीवर्स उसने क्या किए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं एक ट्रांसमीटर के साथ, उतने कितने ज्यादा जो रिसीवर्स हैं वो कनेक्ट किए हुए हैं। तो मींस हमारे पास ये जो सैटेलाइट होता है ये हमें क्या करता है, ये जो अर्थ पे मौजूद जितने भी जो हमारे पास रिसीवर्स होते हैं, जो ग्राउंड रिसीवर्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए जो है वो लिंक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इट इज़ यूज टू लिंक टू और मोर ग्राउंड बेसिस माइक्रोफोन ट्रांसमीटर रिसीवर्स नोन एज अर्थ स्टेशन और ग्राउंड स्टेशन, ठीक है। द सैटेलाइट रिसीव्स द सैटेलाइट्स रिसीव ट्रांसमिशन ऑन वन फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाइज और रिपीट द सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट इट ऑन अनदर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या करता है, ये यहाँ से ट्रांसमीटर से फ्रीक्वेंसी जो है वो लेता है, ठीक है, और उसको अगर एम्पलीफाई करना हो, मतलब अगर कोई चीज़ इसने जो है वो बढ़ानी हो, वो उसको बढ़ा के एम्पलीफाई करके बाकी सब में क्या कर देता है, ये ट्रांसफ़र कर देता है। तो इतने सारे जो है वो इसने रिसीवर्स को क्या किया हुआ है, अपने साथ लिंक किया हुआ है। तो सैटेलाइट का काम क्या होता है कि इसमें मौजूद जितने भी जो अगर रिसीवर्स हैं या जितने भी जो डिवाइसेज हैं उनको लिंक करना जो है वो इसका काम होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेज आ जाते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेज हमारे पास जो जितने भी डिवाइसेज जो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेज बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इसकी जो बुक में लिखी हुई है, द मशीन और डिवाइस यूज टू कैरी इन्फॉर्मेशन टू फॉर ऑफ प्लेस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक जगह से दूसरी जगह, मतलब आप अगर इंफॉर्मेशन आपने भेजनी होती है तो यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं जिन डिवाइसेस को, उनको टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस बोलते हैं। अब इनमें हमारे पास आ जाती हैं फैक्स मशीन्स आ जाती हैं, सेल फोन्स आ जाते हैं, फोटोफोन्स आ जाते हैं, कंप्यूटर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब आप देखें तो फैक्स मशीन भी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अगर आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। सेल फोन्स जो मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। फोटो फोन्स ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो कि लाइट को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं साउंड में, ठीक है। तो ये भी यूज़ होते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। और देन कंप्यूटर्स, आपको पता है कंप्यूटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ये हमारा टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेज आ जाते हैं। फर्स्ट है जो हमारा डिवाइस आ जाता है वो है फैक्स मशीन, ठीक है। जो फैक्स मशीन है हमारे पास जो फैक्स मशीन है इसमें देखें, ये जो इस तरह से डिज़ाइन की हुई होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव भी कर सकती है और डॉक्यूमेंट्स सेंड भी कर सकती है, ठीक है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि ये जो है वो रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स के लिए भी यूज़ होती है और इसका एक पार्ट जो है वो सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। अब जो सेंडिंग पार्ट है, ठीक है, इसका वो कंप्यूटर स्कैनर होता है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें एंटर करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करना होगा वो इसको क्या करेगी, स्कैन करेगी, ठीक है। स्कैन सिर्फ ब्लैक और वाइट में जो है वो उसको स्कैन करेगी, ठीक है। और फिर क्या करेगी कि जब इसने स्कैन कर लिया तो फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो डॉक्यूमेंट्स में मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पहले उसको स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद ही क्या करेगी, उसको जो है ये उनको उसको ये क्या करेगी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उसको जो है ये भेजेगी नेक्स्ट जो है वो फ़ोन लाइन के ज़रिए जो है वो नेक्स्ट जो आपका जो डेस्टिनेशन है जहाँ आप भेजना चाहते हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए ये वहाँ पर जो है वो उसको भेजेगी। जो आपका डेस्टिनेशन होगा जिसको आप भेज रहे हैं, जब उसको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव होंगी इलेक्ट्रिकल पल्सेस के तौर पर, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पर, ज़ाहिर है आपने भेजी हैं तो उसको भी रिसीव होंगी। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब उसको रिसीव करेंगे तो वो क्या करेगा कि उसको पास वो इनको जो है वो प्रिंटर एक लगा हुआ होता है जो इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर देता है कि प्रिंटर की मदद से वो इसका प्रिंट ले लेते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट डाला, डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ, स्कैन होने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फोन लाइन के ज़रिए जो है वो दूसरे मशीन जो कि आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ आप भेजना चाह रहे हैं वहाँ जो है वो सेंड किया। जब उसने रिसीव किया तो उसने रिसीव करने के बाद क्या किया,
रिसीव करने के बाद उसने उसको जो है वो प्रिंट निकाल लिया, ठीक है, प्रिंटर की मदद से कंट्रोल करके प्रिंट ले लिया और उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव हो गई। तो ये थी फैक्स मशीन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, और ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, ये नहीं है कि आज भेजा तो आपको कहीं 4-5 दिन बाद, बहुत जल्दी ये जो सिग्नल्स हैं ये सेंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सेलफोन आ जाता है। जैसा कि आप सब लोग अवेयर हो गए, सेलफोन क्या है, आजकल हर जगह पर जो है वो सेलफोन यूज़ हो रहा है, ठीक है, वायरलेस फ़ोन है, मतलब सेलफोन में देखें कोई वायर नहीं लगी हुई होती। पहले जो टेलीफोन्स होते थे उनमें एक वायर की मदद से वायर लगी हुई होती थी, ठीक है, और मतलब बाउंडेड होते थे, आपके वायर ही लगी हुई है, तो आपने एक ही जगह बैठ के फ़ोन जो है वो सुनना है, कोई कॉल करनी है तो एक ही जगह बैठ के करनी है। लेकिन अब जो वायरलेस फ़ोन है आप उनको कहीं भी कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हो, अपने पॉकेट में रख सकते हो, कहीं भी उन्हें कैरी कर सकते हो। तो ये वायरलेस फ़ोन है, मतलब वायरलेस का मतलब है कि इनके साथ जो है किसी किस्म की कोई वायर नहीं होती, और ये जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं ये एक टावर लगा हुआ होता है, आपने अक्सर देखा होगा जो डिफरेंट कंपनीज के जो है वो टावर्स लगे हुए होते हैं, और वहाँ से जो है वो आपका सिम कार्ड जो है वो सिग्नल जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि हर एक जो है वो कि हर स्ट्रीट पे जो है वो टावर लगा हुआ होता है, बहुत दूर भी टावर लगा हुआ हो लेकिन आपका फ़ोन क्या करता है कि उनसे सिग्नल कैच कर लेता है। अब सेल फोन्स के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, जिसमें कुछ उसने दिए हुए हैं कि ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, कि मतलब आपने अगर किसी का कोई कॉन्टैक्ट जो है वो नंबर स्टोर करना है तो आप अपने फ़ोन में सेव कर लें, डायरी वगैरह में बेशक ना लिखें, बस फ़ोन में सेव कर लिया, लॉन्ग लास्टिंग है, वो हमेशा आपके फ़ोन में सेव रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने जो करना है रिमाइंडर अगर सेट करना है कि आपने क्या करना क्या है, जो आपने टास्क है आपका, अगर आप उसको जो है वो सेट कर लें अपने फ़ोन में, तो वो भी, किसी को मैसेज सेंड करना है तो वो भी आप अपने फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर अगर किसी को, मतलब आपने कोई रिमाइंडर सेट करना है, किसी की बर्थडे है उसको विश करना है, या कोई काम आपने करना है, किसी मीटिंग पर जाना है, ठीक है, या फिर आपकी कहीं अपॉइंटमेंट है, तो आपने अगर वो चीज़ जो है वो रिमाइंडर के तौर पर सेट कर लें तो फ़ोन जो है वो आपको रिमाइंड करवा लेगा। इसके अलावा कैलकुलेटर, अगर आपके पास जो है वो, अगर सेल फ़ोन है तो आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेटर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम पे अपने फ़ोन पे जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इन्फॉर्मेशन, लाइक अगर आप जो है वो आपके फ़ोन में जाहिर सी बात है इंटरनेट होगा तो आप उससे डिफरेंट जो है वो न्यूज़ ले सकते हो, इंटरटेनमेंट के लिए ड्रामास वगैरह, गेम्स वगैरह, ठीक है, और ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से फ़ोन से ले सकते हो। आप ईमेल सेंड कर सकते हो फ़ोन से और उन्हें रिसीव भी कर सकते हो। तो ये थे हमारे सेल फोन्स के कुछ जो है वो फंक्शंस थे जो हमारे सेल फोन के। इसके अलावा आप जो है वो ये जो आपका जो आप ऐप्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप मोबाइल पे अगर आप देखें तो ग्लोबल पोजीशनिंग जो सिस्टम है, अगर आप जो है वो अपनी लोकेशन ऑन कर लें तो आपने जो आपको ये आप अपने फ़ोन से भी देख सकते हैं कि आपने जो है वो जहाँ जाना है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर है, और ये भी आप जो है वो अपने फ़ोन से इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ़ोन से जो है वो डिफरेंट जो आप बाकी काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फ़ोटो फोन्स आ जाते हैं। जैसे कि नेम से इंडिकेट होता है, फ़ोटो फ़ोन का मतलब है, फ़ोटो मींस लाइट एंड फ़ोन जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो फ़ोटो फ़ोन जो है वो आपके पास एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस है जो क्या करता है, लाइट को जो है वो अगर जो अब आपके पास लाइट है तो उसको कन्वर्ट कर देता है साउंड में, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड ऑन द बीम ऑफ लाइट, ठीक है, आपके पास जो साउंड है उसको बीम ऑफ लाइट के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है। बात समझ आई है कि आपके पास जो साउंड जो है ना, जैसे मेरी आवाज़ है, तो उसको बीम ऑफ लाइट के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये जो है ये अर्लियर टाइम में यूज़ किया जाता था 1960s में, फिर उसके बाद इसमें मज़ीद जो है वो इसको जो है वो इम्पोर्टेंस मिली, जैसा कि जब लेज़र का ये जो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्यूलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, या आप जब सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो इसको मज़ीद इससे जो है वो मिला कि लेज़र की मदद से किस तरह से जो है वो ये होती है टेलीकम्युनिकेशन होती है, तो उसको फ़ोटोफोन बोला जाता है, ठीक है। फ़ोटोफोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर एक बहुत जो है वो जिसको बोला जाता है कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ होने वाला जो डिवाइस है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है कंप्यूटर जो है वो, दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा शेयरिंग अगर करनी हो तो उसके लिए भी, इसके अलावा जो है ये
लिए बहुत सारा, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। कंप्यूटर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आपके पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, फिर डेस्कटॉप होते हैं, फिर लैपटॉप होते हैं, कुछ सुपर कंप्यूटर होते हैं जिन पर अगर आपने कोई हैवी, अगर आपने काम करना है, कोई हैवी डेटा स्टोर करना है, तो बहुत बड़े कंप्यूटर्स भी होते हैं जिनको सुपर कंप्यूटर्स बोला जाता है। इसके अलावा छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जो आप घरों में यूज़ करते हो, नॉर्मली पर्सनल कंप्यूटर्स, या फिर डेस्कटॉप जिनको बोला जाता है। इसके अलावा लैपटॉप्स होते हैं, उनसे भी छोटे जो है, जितने छोटे आपके पास कंप्यूटर्स भी होते हैं जिनको आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेज, आपने इनको पढ़ना है, ठीक है, खुद पढ़ना है, और इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने मुझे बताना है, और ये आपकी होम असाइनमेंट है कि इसको आपने जो है वो पढ़ना है, ठीक है।